आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर आने के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य 720 रुपए। अगर 720 रुपए में वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत कितना होता है, 25% ना। तो यहां से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य का 100/ हानि हो रही, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 720 × 100 से 25 घटाओगे, 100 से 25 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 75। 25 × 100, 25 × 75, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 = 7, 3 × 4 = 12। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 9 = 0, 4 × 16 और 4 × 2 = 8, 9, मतलब कितना आ जाएगा मान, 960 रुपये। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर 960 है और यहाँ पर प्रतिशत लाभ कितना है, 25%। प्रश्न कह रहा है कि कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य है हमारे पर, प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। कैसे, क्रय मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 25 जुड़ जाएगा, अगर हानि होती तो घट जाता है, बटे 100 क्या आ जाएगा, 960 × 125 125/100, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। यहाँ पर क्या माना जाएगा, 240 × 5 बराबर विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 0 = 0, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 1200 रुपये। मतलब विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 1200 रुपये। मतलब कुर्सी को अगर 1200 रुपये में बेचे तो 25% का लाभ होगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कितने रुपए में बेचेगा कुर्सी, 1200 रुपए में बेचेगा तो 25% लाभ होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज फुल डोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन कीजिएगा।